एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ट्रेंडिंग नेक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो मैंने बहुत सारे डिजाइनिंग शेयर किया हुआ है, आपको सारे का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने फ्यूज़ पेपर लिया है, इसी पर सारे मैं मैनेजमेंट लूँगी। ये कुर्ती है, तो चलिए मैं मैनेजमेंट इस पर सारे ले लेती हूँ। हमें कौन सा शेप देना है, तो ये हमने पेपर ले लिया है, फ्यूज पेपर। इसकी लेंथ है 10 और 12। अब चलिए इसमें हम लेते हैं जो एक्स्ट्रा होगा, उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से पहले इसको करेंगे हम डबल, यहाँ इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ हमने इसको सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका आप लेंथ कितना रखना चाहते हो वो आप पे डिपेंड है, वो अपने साइज से रख सकते हो। यहाँ पे मैं लूँगी 3 इंचेज, ये डबल लेयर में बनाना है। और यहाँ से लूँगी 4 इंचेज और एक मार्क लगा लूँगी। और ये भी लेंथ हमें 3 इंचेज का ही लेना है, तो ये भी मैं 3 इंचेज ही लूँगी। और इस लाइनिंग से इस लाइनिंग को मैं ड्रॉ करूँगी, इसमें देंगे 1 इंच का सेफ, ये देखिए। और इसमें देंगे गोलाई। और नीचे आप कौन सा डिज़ाइन पसंद करते हो वो बना सकते हो, दिल भी, जो भी आपको पसंद है नीचे आप बना सकते हो। तो मैं एक छोटा सा डिज़ाइनिंग बनाऊंगी, ज़्यादा डीप नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा डीप नेक पसंद नहीं है। तो चलिए मैं इसका लेंथ 8 इंचेस तक ही लूँगी, तो यहाँ 8 इंच पर एक मार्क लगाऊँगी। अब इसी में हमें डिज़ाइनिंग ड्रॉ करनी है। अब कौन सा डिज़ाइनिंग आप पहनना चाहते हो वो आप बना सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ से लूँगी 3 इंचेज ये, और एक मार्किंग यहाँ पे भी 3 इंचेज पे लगा लूँगी ये। और इसमें हमें देना है शेप, तो जो भी शेप देना है बस इसके अंदर ही हमें लेना है। तो वो शेप हम लेंगे कैसे, चलिए वो दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमें वो शेप इसमें देना है, ये देखिए। अब इसमें हम 1-1 इंच का एक्स्ट्रा लेंगे, जो कि मार्जिंग जाएगा। तो यहाँ से हम 1-1 इंच पे ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ से मैं लगा देती हूँ मार्किंग। ये अब करेंगे इसकी कटिंग, तो कटिंग कैसे करते हैं चलिए मैं वो दिखाती हूँ। अंदर की तरफ से लेते हुए पूरे को कट कर लेंगे, अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए बहुत यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक है। तो ये हमने नेक की कटिंग कर लिया है। अब हमें एक्स्ट्रा वाले जो हेम होती है वो पट्टी को कट करना है, तो वो पट्टी आप 1 इंच ले लें। तो यहाँ से मैं 1 इंच पे कटिंग करूँगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से। इससे पहले मैंने इसकी कटिंग की वीडियो शेयर किया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो। ये तो यहाँ हमने शेप दे दिया, कटिंग कर लिया, एक्स्ट्रा कप को निकाल दिया, ये देखिए। ये बिल्कुल सिंपल सा है बट पहनने पे बहुत खूबसूरत लगता है। और इसमें मैं एक डिज़ाइनिंग बनाऊंगी, बिना स्किप किए आप फुल वॉच करेंगे तो आपको डिज़ाइनिंग समझ में आएगी। अब इसको हम प्रेस से चिपकाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत से कॉमेंट्स आ रही थी कि ये चिपकता सही से नहीं है। तो ये जो फ्यूज़ पेपर होता है इसमें 2 लेयर होते हैं, तो ये वाली लेयर जो होते हैं रूखा वाला, दो तरह, एक चिकना वाला होता है, एक थोड़ा सा इसमें देखिए फेविक गम जैसा रहता है। तो आप कभी भी उसको फेविक गम जैसा जो रहेगा उसको पीछे की तरफ रख लें इस तरीके से। तो हमने इस तरीके से रख लिया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से मीडियम आयरन पे हम इसको प्रेस करेंगे, ज़्यादा हीट नहीं करेंगे, नहीं तो ये भी चिपकने लगती है। तो चलिए इसको हम प्रेस करके लाते हैं, आयरन से चिपका लिया है। अब जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है, तो हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए हमें कट करना है, जो कि हाफ इंच फोल्ड होगी। तो इस टाइप से ये हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए
इसको हम कटिंग करेंगे। तो इसी तरीके से हम पूरे को कट करके हटा दे, तारे को कट कर लिया है। अब इसमें हमें सेंटर पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट लगा लेंगे ताकि हमें फोल्ड करने में प्रॉब्लम नहीं हो। इतना ही कट लगाना है कि हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाए। ये अब हम पूरे साइड से इसको इस तरीके से मोड़ देते हैं और सिलाई को लगा देते हैं। हमें मोड़ लेना है पूरे को अच्छी तरीके से। सब तरफ से घुमाते हुए हमें मोड़ देना है। सही तरीके से उसके बाद क्या करना है, इसको इस तरीके से मोड़ना है। इस तरीके से पूरे को फोल्ड कर लेके से साड़ी को हमने मोड़ लिया है। अब इसको हम चिपकाएंगे अपने कुर्ती पे। तो वो कैसे चिपकाते हैं, तो चलिए मैं वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें नेक ये वाला कुर्ती लेना है और कुर्ती के यहाँ बीच सेंटर में एक मार्क लगाना है। आप कट भी लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड है आप क्या कर। यहाँ पे हम एक इस तरीके से कट्स लगा लेंगे और एक ये वाले जो हमने फोल्ड किए हैं इसमें भी एक कट्स लगाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो ये भी हमने कट्स लगा लिए हैं। अब इसको हम इसके ऊपर सीधी साइड से चिपकाएंगे, तो वो चिपकाते हैं। हमने ले लिया कुर्ती और इसके ऊपर हमें डाल देना है इसको यहाँ इसके ऊपर। अब इसको हमें पहले एक सेंटर पॉइंट से सिलाई लगाना है, तो यहाँ पे हम रफ स्टिच कर लेंगे। तो वो रफ स्टिच कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। रफ स्टिच बिल्कुल बराबर करना है। तो ये रफ स्टिच हमने कर लिया है। अब साइड साइड से सिलाई लगाएंगे। अब ये बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा देते हैं, इसके बिल्कुल किनारे से। तो अब ये वाला सिलाई को अच्छे तरीके से बिल्कुल किनारे से लगाना है। इसी तरीके से साड़ी को लगा देना है, इसी तरीके से किनारे से लगाते जाना है। तो ये हमने सिलाई लगा लिया पूरा अच्छे तरीके से। अब इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देंगे। तो हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए पूरे को निकाल देना है एक्स्ट्रे वाले को। तो ये पूरे को अंदर से निकाल देते हैं, हाफ हाफ इंच छोड़ना है कपड़ा को। तो इस तरीके का हमने एक साइड का निकाल लिया, इसी तरह उधर का भी निकाल दे। हम अंदर वाले एक्स्ट्रे को निकाल दिए। अब छोटे छोटे हम कट्स लगाएंगे इस तरीके से। कट्स इतना ही लगाएंगे कि हमारा सिलाई नहीं कटे। तो छोटे छोटे कट्स पूरे में अच्छे तरीके से लगा देते हैं। छोटे कट्स पूरे में लगा लिए हैं। अब इसको हम पलट लेंगे सीधी साइड, पलटते हैं वो देखिए। तो इस टाइप से करना है। इस टाइप से और अच्छी तरीके से इसको पलट देना है। तो हमने एक साइड का पलट लिया, इसी तरह दूसरी साइड हमने पलट लिया, सीधा कर लिया। अब यहाँ पे हमें एक डिज़ाइनिंग लगानी है फ्लावर टाइप से, तो वो बनाएंगे। आप चाहे तो इसमें पाइपिंग लेस वो भी लगा सकते हैं किनारे से, वो आप पे डिपेंड है। रेडी करेंगे जिसके लिए हमने सूट के ही बचे हुए कपड़े ले लिए हैं, मेहरून कलर और ये कलर, दोनों कलर मिक्स का, दोनों का कॉम्बिनेशन हमें फ्लावर बनानी है। तो चलिए मैं फ्लावर कैसे बनाती हूँ। तो पहले सबसे पहले एक हम डोरी बना कर लूप्स बना कर पलट लेते हैं।
तो इसका हम पहले लूप्स बना लेते हैं। ये कर लिया डोरी, अब बनाते हैं फ्लावर। तो फ्लावर बनाने के लिए हमें यहाँ इस तरीके का एक फैब्रिक चाहिए 3.3 का। तो ये मैं नाप लेती हूँ किस साइज का है। तो यहाँ से 3 पॉइंट और फिर यहाँ से 3 पॉइंट और कट कर लेंगे। इसी साइज का हमें 3 इस कलर का और 3 उस कलर का चाहिए, 2 और 3। तो 3 मेहरून और 3 इस कलर का हम निकाल लेते हैं। ये हमने दोनों कलर का 3-3 ले लिया है। अब इसी से हमें बनानी है डिज़ाइनिंग। तो वो डिज़ाइनिंग कैसे बनेगी जो फ्लावर बनानी है, तो देखिए इसका ये किनारा लेंगे, इसको इस तरीके से मोड़ेंगे ये। तो ये हमने मोड़ लिया है। अब इसी से हमें इस तरीके से बहुत ही प्यारा ट्रेंडिंग डिज़ाइन बनानी है। देखिए तो इसी तरीके से ये फ्लावर बनेगी, ये खूबसूरत सा। तो इसको हम यहाँ से लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम धागे से गांठ लगा लेंगे। तो यहाँ हमने धागा ले लिया है ये, और यहाँ पे हम इसको गांठ लगा लेंगे, 2-3 सिलाई लगा देंगे इस तरीके से, और इसको अच्छी तरीके से बांध लेंगे। रेडी कर लिया है। अब फिर दूसरा मेहरून वाला रेडी करते हैं। तो इसको भी हमें बिल्कुल किनारा से बारीक सा मोड़ना है, इसी टाइप से तिरछा। ये देखिए बन इस तरीके से, ये फ्लावर से ही ये नेक डिज़ाइन खूबसूरत लगने वाली है। ये देखिए इस तरीके से अब इसमें भी लगा लेंगे गांठ और बांध लेंगे। आपको रेडी कर लिया है। अब हमें एक साथ इसको अटैच करना है। तो पहले एक मेहरून, उसके बाद एक ये कलर, फिर एक मेहरून, फिर एक ये कलर, फिर एक मेहरून और फिर इस कलर। तो हमने 6 बनाया है। इस तरीके से आप सबको एक साथ अटैच कर लेना है। लिया है ये हमने निडिल में धागा डाल लिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको सबको एक में डाल देना है। तो देखिए पहले एक को मैं डाल लेती हूँ इस तरीके से बराबर करते हुए। पहले एक हमने डाला, फिर हमने मैरून कलर डाला। ये देखिए इसको हमें इसी तरीके से पूरे को डाल देना है, डालते जा रहे हैं। फिर ये एक लास्ट है, इसको भी हमें सीधी करते हुए डाल देना है, मिलाते हुए सीधा उल्टा। ये देखिए तो पहले हमने सीधा इस तरीके से डाल दिया ये। अब इसको हम इस तरीके से खींचेंगे तो ये फ्लावर टाइप से बन जाएगी। तो ये देखिए बन जाएगी। तो इसको हम यहाँ से इसमें गांठ लगा के बांध देते हैं, ये 100 बटन। तो वो आप बना के भी लगा सकते हो, अगर आपके पास है रेडीमेड तो वो भी लगा सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी रेडीमेड 100 बटन हैं, तो मैं इसके ऊपर इसी को लगा देती हूँ। आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू से चिपका भी सकते हो। रेडी कर लिया है, इसमें हमने 100 बटन लगा दिया। अब हमें क्या करना है चलिए वो दिखाते हैं। तो अब हमें डोरी में डिज़ाइन लगाना है। डिज़ाइन कैसे लगाना है, तो ये हमने ले लिया और एक ये ले लेंगे तिरछा, हमें इसको भी कट कर लेना है जो कि हम डोरी बनाते हैं। तो यहाँ से हमने तिरछा कट किया, एक बड़ा लगाना है और एक हमें छोटा लगाना है। तो एक इधर से हम फिर इसका भी तिरछा कट कर लेंगे, प्यारा सा डिज़ाइनिंग बनाएंगे। ये देखिए ये इस तरीके से इसमें हम लगा लेंगे छोटे छोटे कट्स जो कि डिज़ाइनिंग टाइप से लगेगी। बिल्कुल छोटी छोटी लगानी है, ज़्यादा डीप नहीं लगानी है। तो इस तरीके से मैं लगाऊंगी। ये देखिए तो ये हमने छोटे छोटे इसमें कट्स लगा लिए हैं डिज़ाइनिंग के लिए। अब इसके ऊपर मैं इसको डाल दूंगी, ये मैंने डाल लिया। अब इस लूप्स में हम लगाएंगे कैसे, तो ये इस तरीके से लेना है और इसको सिलाई लगा देना है। बहुत प्यारी लगती है बनने पे ये। ये रहा, अब इसको हम पलट लेंगे, सीधी कर लेंगे। ये देखिए तो ये बन चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा सेफ देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है।
ये रहा, तो ये हमने सेफ दे दिया। अब इसी तरीके से दूसरी वाली में लगा लेते हैं, हो गई है। अब चलिए नेक पे इसको अटैच करते हैं फ्लावर को। पहले इस डोरी को हम थोड़ा सा बड़ा छोटा में लगा कर कर लेंगे, छोटा बड़ा में। तो इसको हम पहले इसी में चिपका लेते हैं, इसी में हमें लगा देना है इसको। तो इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं और को इसके ऊपर डाल लेंगे। और चाहें तो आप फैब्रिक ग्लू से भी चिपका सकते हैं, नहीं तो आप पीछे से इस तरीके से इसको टांक भी लगा सकते हैं। तो मैं पीछे से टांक लगा लेती हूँ। ये फ्लावर हमने टांक लिया है अच्छे से, मजबूत से। ये खुलेगी भी नहीं, कितनी भी इस पर प्रेशर आएगी फिर भी ये नहीं खुल सकती, क्योंकि मैंने बहुत बार इसको टांक दिया है। तो इस तरीके का नेक डिज़ाइन आप इजीली घर में बना सकते हो, बहुत प्यारी लगती है। मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है। आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मुझे ये डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी लगती है। मैं सब साइड से शो करके दिखाती हूँ। देखिए इधर से भी इस टाइप से ये लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है ये डिज़ाइनिंग। आप चाहे तो किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हो, कुर्ती में, सूट में, जहाँ भी आपको मन हो। ये देखिए मैं सब साइड से शो कर देती हूँ। मैं दो कलर का लगाई हूँ, क्योंकि इसकी सलवार जो मैंने प्लाजो बनाया हुआ है वो इसी कलर की, मेहरून कलर की, इसलिए मैंने डिज़ाइनिंग भी मेहरून कलर से ही बनाया है, मेहरून और दोनों का कॉम्बिनेशन। ये देखिए डोरी में ये जो मैंने लगाया है दो कलर का, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। कि आपको ये नेक कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कुछ पूछना है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें। इसकी प्लाजो की कटिंग, इस कुर्ती की कटिंग भी मैंने इससे पहले शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है, मुझे तो ये डिज़ाइनिंग बहुत पसंद आई, आप सबको भी ज़रूर पसंद आएगी। आई होप ये आपको डिज़ाइन पसंद आएगी। पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये सिंपल में ही ट्रेंड में बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग है। तो अगर कुछ पूछना है तो नीचे कॉमेंट ज़रूर कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। मैं पूरे शो कर देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से। जब तक के लिए बाय बाय।